मो डॉक्टर संतोष रणा महंत जनरल सेक्रेटरी ओडिशा वेटनरी सर्विस एसोसिएशन आज आम मैंने आम वेटनरी प्रोफेशन ट्रांसफॉर्मेशन केमी हम जमी आम लोकों पाखे अधिक सेवा दे पार आमर चाषी मानक आम राज्यर आर्थिक उन्नति क्षेत्र में आम के अधिक काम करूशार जेहेतु वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और टीम थे तेनाली आम आज गोटे आम अर्गानाइज कलु व्वर्कसप अर्गानाइज कलु कमी ट्रांसफर्मेसन कर फल आम अधिक रू अधिक सेवा दे पार जो आम डबलींग अफ फार्मर्स इनकम अच्छी आनिमल हेल्थ कथा कहुई से अधिक भाव में आम योगदान केमी रमी गोटे माइंड स्ट्रोलिंग सेसन आम कराऊँगी केमी हिसाब से कौन हिसाब से आम पर कले आम आम वेटनरी सेवाटा को लोकों लोकाभिमुखी अधिक कर अधिक प्रोडक्टिविटी और अधिक लाइफ सेविंग जो एनिमल लाइफ सेविंग करें कहीं मेन जिनस हूँ आपंकर ह्यूमन लाइफ डेफिनेटली एनिमल लाइफ उपर निर्भरशील ह्यूमन हेल्थ एनिमल हेल्थ उपर निर्भरशील वर्ल्ड बैंक वर्तमान वन हेल्थ कथा कौन वन हेल्थ अर्थात है मानने मनुष्य स्वास्थ्य एका एक जापरना ही एनिमल मान हेल्थ देखिए तो एनिमल मान हेल्थ को समृद्ध कले ही ह्यूमन हेल्थ ठीक हम से लगे वेटनरी डिपार्टमेंट ट्रांसफॉर्मेशन दरकार और से ही दीर्घ में आम सरकार सब संवेदनशील अच्छा सब पॉजिटिव अच्छा तेणु आज जो डेलीवरेशन हम सब डेफिनेटली आम वेटनरियन मान भितर गोटे अवेयरनेस आम गोटे नवजागरण हम कौ हिसाब से आम सर्विस प्रॉपर्ली डेलीवर कर पार फल मैंने अधिक रू अधिक प्राणी स्वास्थ्य उन्नति घटे इंडिया न्यूज डेली भारत सरकार की स्टेचरी बॉडी है। आज मुझे उड़ीसा भगवान जगन्नाथ की मान मंदिर में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं उड़ीसा वेटनरी सर्विस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है जनरल सेक्रेटरी दोनों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग इन वेटनरी सर्विस वेटनरी साइंस में क्या होना चाहिए उस पर एक सेमिनार रखा। मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। उड़ीसा राज्य तेजी के साथ वेटनरी में फील्ड में आगे बढ़ रहा है। कुछ बातें हैं कि वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं उनको ठीक करने की बात है और हमारी यूनिवर्सिटी वेटनरी की यहाँ होना चाहिए। इस प्रकार की चर्चा आज वेटनरी डॉक्टर्स के बीच में हुई है। मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में वेटनरियंस का वेटनरी डॉक्टर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि इस देश में 12 लाख करोड़ का रुपए का हिस्सा है GDP में जिसमें 8 लाख करोड़ दूध पैदा होता है भारत में। दुनिया में भारत सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। एक समय था भारत में दूध की बहुत कमी थी लेकिन ये देश के वेटनरियन का और प्रभावक उन्होंने काम करके ब्रीडिंग करके हेल्थ एनिमल हेल्थ में काम करके इसको काम को आगे बढ़ाया। आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है और हमारे वेटनरी हॉस्पिटल हैं खासकर उनकी स्थिति सुधरे उनमें अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट आए और जो टेक्नोलॉजी है नई नीचे जल्दी जल्दी जाए ये प्रयास होना चाहिए और इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ 2 दिन रहने वाले हैं जिसमें हम जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसको बदलने का प्रस्ताव है उस पर चर्चा हो रही है। नया पाठ्यक्रम हम लोग चेंज कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम भी चेंज कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि कोई यहाँ पशु अस्पताल या चिकित्सालय को देखने जाए और एक बार मुझे लगता है मैं उन्हें उड़ीसा राज्य के वेटनरियंस का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम इस स्टेट में किया है। कोविड के समय ह्यूमन हेल्थ में भी उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए कोविड के यानी ह्यूमन हेल्थ को भी सपोर्ट किया इसके लिए उनका धन्यवाद होना चाहिए। और कोविड के समय जो बाहर से लोग आए उनकी आजीविका के लिए वेटनरी में पोल्ट्री वगैरह इस सब पे बहुत काम हुआ इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की। दूसरा एक सबसे बड़ी बात आज अभी जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें मेरे उड़ीसा वेटनरी सर्विस एसोसिएशन 20 लाख रुपये डोनेट किया सीएम रिलीफ फंड में इसके लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए। और हम लोग सब मिलकर देश के लिए काम कर रहे हैं देश के किसानों के लिए पशुपालकों के लिए उनको अच्छी एनिमल हेल्थ क्वालिटी वेटनरी सर्विसेज मिले ही हमारा प्रयास। ये आपका अभी हाल फिलहाल में 20 साल का इतने नए वेटनरी हॉस्पिटल खोले गए और ओडिशा में यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड है लेकिन अभी तक उसको किया नहीं गया। हमारी आपके माध्यम से यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और उनका काफ़ी ध्यान भी है इस पर कि जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटी स्थापित हो। और दूसरा राज्य ये जो वेटनरी हॉस्पिटल खोलने का काम राज्य सरकार का होता है राज्य नीड बेस्ड अपने हिसाब से हॉस्पिटल अनाउंस करती है और खोलती है लेकिन इस बार हम लोग एक नया काम कर रहे हैं कि वेटनरी हॉस्पिटल का नॉर्म्स क्या होगा मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होगा ये बहुत जल्दी हम लोग पार्लियामेंट में लेके आने वाले हैं और रेगुलेशन एक इस पर आ रहा है BCI की ओर से उसी आधार पर आगे फिर हॉस्पिटल का संरचना होगी।